ये तो श्री राम जन्मभूमि का प्रसाद है, इससे स्वादिष्ट तो क्या ही हो सकता है। अभी हमें अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बिल्कुल बराबर में अमावा राम मंदिर में, जहां पर जितने भी लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने आते हैं उन सभी को निशुल्क भोजन कराया जाता है राम रसोई के नाम से, आपके ठीक सामने आपको नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको अपना नाम और आधार कार्ड देना होता है, उसे आप यहाँ पर सबमिट कीजिए। उसके बाद आपको जाना है इधर जहाँ पर आपको निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, और यहाँ से आप जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है उसका कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। तो मंदिर वहीं बन रहा है, हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ का निशुल्क भोजन कैसा होता है। तो देखिए, भक्तों के आने से पहले प्रॉपर क्लीनिंग की जा रही है, अच्छे से साफ सफाई करने के बाद यहाँ पे भक्तों को अंदर बुलाया जाएगा। अब देखिए, अंदर भक्त आने शुरू हो गए हैं, अमीर गरीब छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग, चाहे कोई IAS हो या कोई भीख मांगता हो, सभी यहाँ पर एक साथ एक ही जगह पे बैठ के भोजन ग्रहण करेंगे। सभी लोग अब बैठ चुके हैं और अब सबको यहाँ पर थाली दी जा रही है जो कि अच्छे से धुली हुई है, और अब यहाँ पर खाना देने की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले सब्जियाँ दी जा रही है, एक तरफ लौकी की सब्जी है और दूसरी तरफ आलू की सब्जी है। सभी को पहले आलू की और लौकी की सब्जी दी जाएगी, इधर से सब्जियाँ दी जा रही है और यहाँ पर आ रही है दाल। तो दो सब्जियां दी जाती हैं, दाल दी जाती है। तो इसमें भैया कुछ ऐसा रहता है कि एक ही बात दी जाएगी, अपना पेट भर के कितना भी खा सकते हैं, पेट भर के कितना भी खा सकते हैं। दो सब्जी दाल के बाद देखिए पूरी आ गई है, पूरी दी जा रही है, और यहाँ पे जितना भी धर्म कार्य चल रहा है इसके लिए किसी से दान नहीं लिया जाता है। सारा ये पटना के जो प्रसिद्ध महावीर मंदिर है वहां से वो लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं इसको। भैया समय क्या रहता है इसका? समय 11 से 3 रोज रहता है, किस दिन बंद रहता है? तो अगर आप अयोध्या आ रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने, आप अमावा राम मंदिर आइए, यहाँ पे 11 से 3 रोज आपको भोजन मिलेगा। अभी देखिए चावल आया, दोनों तरफ चावल सर्व किया जा रहा है, और चावल आने के बाद अब पापड़ दिया जा रहा है। पापड़ देने के बाद देखिए प्रायम्स भी दिए जा रहे हैं। शुरू में मेरे को लगा था कि जैसे कहीं पे भी आप जाएंगे लंगर में हल्का फुल्का आपको भोजन कराया जाता है, यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर थाली खिलाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं कितनी चीजें हैं थाली में, तोरी की सब्जी है, आलू की सब्जी है, चटनी है मीठी, चावल, पूरी, प्रायम्स, दाल। भैया कैसा घी भी मिलता है? घी भी डाला हुआ है, आप देखिए घी भी डाल के दिया है ऊपर से। तो भैया आप अभी भोजन कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है खाना? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहली बार आए हैं या कभी पहले भी आए हैं? आज पहली बार ही आए हैं। बाबा भोजन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको भोजन? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको भोजन? बहुत बढ़िया लग रहा है। बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। जहाँ तक आप देखेंगे वहीं तक आपको भक्त भोजन ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो हम भी अब लेते हैं यहाँ पे भोजन ग्रहण करते हैं थोड़ा, उसके बाद आपको बताएंगे। प्रसाद कैसा भी हो स्वादिष्ट ही लगता है, और ये तो श्री राम जन्मभूमि का प्रसाद है, इससे स्वादिष्ट तो क्या ही हो सकता है। मैं अब यहाँ पे अपना भोजन ग्रहण करता हूँ। आपको अगर ये वीडियो